जून 4 तारीख दिन साधारण निर्वाचन परिणाम आसिबो। भारतीय जनता पार्टी 400 सीट टार्गेट नहीं लड़ुची। कांग्रेस दाबी करुछि एथर सेमाने मोदी सरकार को गादी ओल्ह देवे, जदिओ बीजेपी पर सेमाने निज पई सेमिति किछि गुटी टार्गेट स्थिर करुखनांदी। वास्तव में कांग्रेस कौनसी बड़ दाबी करिवा अवस्था ही नहीं। नीति कांग्रेस नेता दल छाड़ी चली जाउछन्ती। कांग्रेस नेतृत्व अस्तव्यस्त हो जाइछि। दल पर कौनसी आड़ किसी भल खबर आसुनी। एमती सुरट लोकसभा आसन बीजेपी हाथ को जाइए। बीजेपी मुकेश दलाल को निर्वाचन कमिशन निर्विरोध विजयी घोषणा कर देती। अर्थात युद्ध क्षेत्र को ओह्ल आगु कांग्रेस गोटे आसन हार पराजय को कांग्रेस निज एजेंडे सेट कर चेषा करमी किसी पदक्षेप नहीं पार नहीं। कौन पदक्षेप नाप कांग्रेस निज प्रार्थी भी खोजी पा नहीं। बीजेपी मुकेश दलाल का विजय घोषणा पर कांग्रेस प्रार्थी नीलेश कुंभानी लापता अच्छा। एमती किसी करने को कांग्रेस असहाय हो जाए। ना कुंभानी मिलुंट ना तर चार प्रस्तावक जो मानक दस्तखत उपर अभोग पर कुंभानी प्रार्थीपत्र नाकच होगा से मानक खोज खबर मिलूनी। ता खबर चली नीलेश कुंभानी बीजेपी जोगदे जाये विषय को नहीं कांग्रेस निर्वाचन कमिशन पाक एवं कोर्ट को जवाब प्रस्तुत किंतु जे पर्यंत प्रार्थी सामना को न आसती से पर्यंत कांग्रेस असहाय। बीजेपी विजय घोषणा पर कांग्रेस यह एक छतरवाद बोली कौन घटना को कौन प्रकार एक छतरवाद आड़क टाणी नहीं से नरेन्द्र मोदी को घेरवा चेष्टे कांग्रेस लगी। अथवा राहुल गांधी या उपरी निज एक्सपोर्ट लिखले जे एक छतरवादर असल चेहरा पुणे सामना को आजर प्रतिनिधि बाछार अधिकार लोकों ठार छड़े बाबा साहेब संविधान को नष्ट करिवार एहा आउ एक पदक्षेप। से आहर कहते ए निर्वाचन केवल सरकार गढ़ापी नुहे यह देश को रक्षा करिवा संविधान को सुरक्षा देवाई निर्वाचन। राहुल गांधी निज एक्सपोर्ट केवल एमती किसी लिखी पारे बीजेपी विरोध में किसी बड़ करने दल पाखे कौन से बाट अच्छी। कांग्रेस निर्वाचन कमिशन पाख जा दावी कर नीलेश कुंभानी ना डमी कैंडिडेट को योग्य घोषणा करार्थी पर विश्वास अच्छी। सूरत एक गुरुत्वपूर्ण आसन से जगह कांग्रेस एमती प्रार्थी बाछी जे निर्वाचन पूर्व रण छाड़ चली एथर बीजेपी किंवा आउ क्या दोष दे पूर्व कांग्रेस नेतृत्व निजक निजे देखा दरकार। प्रकाश था कि आसंता लोकसभा कांग्रेस टिकेट नामांकन दाखल कर नीलेश कुंभानी प्रार्थीपत्र नाकच हो जाए। से तीन प्रार्थीपत्र दाखल करते सबुति प्रस्तावक दस्तखत त्रुटि यह निज पक्ष रखा नीलेश को गोटे दिन समय दिया कितु नीलेश निज पक्ष रखापी पहुँचले ही ना। से हीपर एक कारण कांग्रेस डमी कैंडिडेट अजोग्य घोषित हेले। यापर बाकी 8 जन प्रार्थी निज प्रार्थीपत्र फेरे नेले एवं बीजेपी मुकेश दलाल को विजयी घोषणा कर दिया गला।